सतगुरु मेरी ओर तेरा आसरा, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजा। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, अज जिन्हों का बरसी समागम मना रहे हैं सचखंड वासी धन धन संत बाबा त्रिलोक सिंह जी महाराज, सचखंड वासी धन धन संत बाबा गुरमेल सिंह जी महाराज, तो सचखंड वासी धन धन संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी महाराज, अते आई हुई प्यारी साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। गुरु साहब फुरमान करते ने, मत को परम भूलै संसार, गुर बिन कोए न उतरस पार। गुरु साहब सानू जोर दे के समझाते ने कि किसी तरह के परम भुलेखे च ना रहो, केवल पूर्ण गुरु ही इस जन्मा जन्मा के चक्कर चो सानू मुक्त कर सकता। जिहड़ा गुरु शब्द है वह दो अर्थां का मिलन, गौ नाम हनेरे का, रूह नाम प्रकाश का। जो साढ़े अंदर अज्ञानता का हनेरा दूर करके उस ज्ञान रूपी प्रकाश को पैदा करके, तो साड़ी जिंदगी का जो असली मनोरथ है उस प्रभु की प्राप्ति, उस मार्ग में दिखा, उसनू गुरु कहते। जो सानू दुनियावी गुण या दुनियावी तरीके दसे उसनू असी टीचर या उस्ताद कहते, क्योंकि जो तो दुनियावी पढ़ाई करनी हो या कोई हुनर सीखना हो तो सानू उस्ताद की या अध्यापक की लोड़ पड़ती। पर परमार्थ का रस्ता, उस परमेश्वर की प्राप्ति का रस्ता बहुत ही सूखम है, बहुत ही नाजुक है। उत्थे कोई आप उस अकाल पुरख ना मिलया होया संत महापुरख का ही चाहिए। कई बार असी बिना गुर तो कठिन जब तक अभ्यास पूजा पाठ करते और काफ़ी मेहनत बाद सानू कुछ रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती और असी उन्हां विच उलझ के हंकारी हो जाती है और समझते हैं कि साड़ी बहुत वड्डी प्राप्ति है, पर परमार्थ दे राह ते एक बहुत वड्डी रुकावट है। तो गुरु सानू सुचेत करना कि जिन्निया भी रिद्धियां सिद्धियां ने ये नाम जपण वाले दियां दासियां ने, तेरा रस्ता कोई होर है। सो जदों असी गुरु की दसी मत अनुसार, गुरु की जुगती अनुसार उसका नाम जपते हैं, अपने अंदर जाते हैं और कुछ अनुभव करते हैं तो सानू कभी भी हंकार पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी प्राप्ति होती है उसनू असी गुरु की बख्शिश मानते हैं, जिसनों गुरु नानक देव मूल मंत्र गुरप्रसाद आखते हैं। दूसरे पासे जदों असी गुरु की मत तो बिना कोई जप तप करते हैं तो कई बार कुछ प्राप्ति हो जाती है तो साढ़े मन में ख्याल आता कि मैं भगती की, मैं बंदगी की, मैं मेहनत की, प्राप्ति हो। पर प्यारी साध संगत, जिथे मैं आ गई उत्थे हंकार आ गया और हंकार ले गुरु साहब फरमान करते ने, हर जी हंकार ना पावे, कि उस परमेश्वर नूं
किसी प्रकार का हंकार नहीं पाता। और इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि जिहड़ी मनमुख लोग आ वो जो बिना गुरु तो भगती करते हैं उन्होंने तरीका गलत आ। मनमुख भगत करत बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत न होई राम। सो इस करके पूरन गुरु की मत अनुसार सानू भगती करनी चाहिए है और हमेशा अपने गुरु तो बलिहार जाना चाहिए था, जिसने साडे हिरदे विच उस परमात्मा नाल मिलाप करवाया, किंज कराया। जिवें कोई अन्ना किसी चीज़ नूं लभ रहा हुंदा, वह डगे डोले खांदा पर वह चीज़ उसके हाथ नहीं आती, तो कोई अखां वाला आवे और चुक के फड़ा दे। उस तरह परमात्मा दे वल्लों असी अज्ञानी हाँ, असी अन्ने हाँ, तो कोई पूर्ण सतगुरु जड़ा आप परमेश्वर नाल मिलिया वो आके जदों सानू राह दिखा दिंदा तो साडा मिलाप करा दिंदा। इस तरह अज जिन्हां दा बरसी समागम मना रहे हैं सचखंड वासी संत बाबा तरलोक सिंह जी महाराज, जिन्होंने भुले भटकियां नूं सही राह दिता, दुखियां दे दुख दूर किते, आप नाम जपया ते जपाया और इस तरह संगतां दी सेवा करते सचखंड जाप रजे। अज सब संगतां उन्हां दी मिठी याद नूं मनाउण लई आईआं। साडे वल्लों आप सब नूं जीआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।